So what are the colligative properties we have studied so far? Colligative properties are what, people? Hey, बता 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 जल्दी से बताओ भाई साहब. What are colligative properties? Colligative properties are properties which depend on the number of particles of the solute. Number of particles of solute. तो आपने देखा भाई साहब colligative properties क्या क्या है. एक हो गया आपका RLVP, relative lowering of vapor pressure. दूसरा क्या हो गया आपका, हाँ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, और फिर क्या हो गया भाई साहब, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और आपका क्या हो गया भाई साहब, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, ऑल दीज आर प्राइमरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. द रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड एडिमा. कभी देखा है आपने, स्पेशली ओल्ड एज के लोगों को, उनका अगर आप ऐसे पैर को ऐसे, मतलब पैर में कोई ऐसे दबाएंगे ना तो पिचक जाता है बॉल की तरह. देखा कभी ऐसा? ठीक है, आपका शायद नहीं होता होगा क्योंकि राइट नाउ यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर. बट व्हाट विल हैपन इज, उनके अगर आप ऐसे स्वेलिंग होती है उनकी, आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो प्लास्टिक की बॉल की तरह पिचक जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा ऐसा स्किन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एडिमा कंडीशन. ठीक है, व्हाट हैपेंस इन दिस इज कि आपके जो सेल्स हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिलाकर फूड खाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके ब्लड में क्या हो जाएगा भाई साहब, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाएगा. ठीक है, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाएगा. अभी ब्लड जा रहा है भाई साहब कहाँ से, यहाँ से जा रहा है. ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सेल. ठीक है, तो अभी सेल में क्या होगा, अभी बताओ किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा. ठीक है, सो वॉट विल हैपन, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ विल एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन. तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम अ लिक्विड ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो आपका भाई साहब ये सूझने लगेगा. ठीक है, ये सारे जितने भी सेल्स हैं, दे विल स्टार्ट स्वेलिंग. ठीक है, रिटेंशन इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. सो दे विल स्टार्ट टू स्वेल. दिस पफिनेस और स्वेलिंग, इस पफिनेस या स्वेलिंग को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एडिमा. मीट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सॉल्ट विच प्रिवेंट्स बैक्टीरियल एक्शन. क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन होता है आपके मॉइस्चर कंडीशन में, और मॉइस्चर कंडीशन हम प्रिवेंट करते हैं बाई एडिंग सॉल्ट. अगर आप देखोगे जो लोग ये रास्ते पे बकरा वकरा काट कर बेचते हैं, वो लोग थोड़ा सा सॉल्ट लगा देते हैं बकरे पे. ठीक है, या जो मीट रहता है, ठीक है, उस पर सॉल्ट लगा देते हैं. ठीक है, सो मीट इज प्रिजर्व्ड बाई एडिंग सॉल्ट विच प्रिवेंट्स बैक्टीरियल एक्शन. एडिंग सॉल्ट से क्या हो जाएगा भाई साहब, आप बैक्टीरियल एक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं. फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन शुगर सोल्यूशन टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एक्शन. आपके जितने भी फ्रूट्स हैं उनको अगर आप शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो बैक्टीरियल एक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं. थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरिया ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूजेस वाटर, श्रिवल्स एंड डाइज. बैक्टीरिया आपका ज़्यादा करके किस कंडीशन में प्रिवेल करेगा, मॉइस्ट कंडीशन में. ठीक है, और बैक्टीरिया का एक सेल होता है जिसमें से वाटर निकल भी सकता है और वाटर आ भी सकता है. तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल के कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर आप उसको सॉल्ट सोल्यूशन में रख रहे हैं, देखो ये समझ लो कोई फ्रूट है, और फ्रूट में लग लो समझ लो कोई बैक्टीरिया लग गया है. अभी आप इस फ्रूट को किस में रख रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन में. तो लेट्स से ये NaCl एक्वस सोल्यूशन है. ठीक है भाई साहब, क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा. सो ऑस्मोसिस इज वॉट, ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो वॉट विल हैपन, दिस NaCl विल बेसिकली फ्लो आउट. ये NaCl भाई साहब फ्लो आउट हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आ रहा है, और ये श्रिंक होकर मर जाएगा. ठीक है, NS मतलब ये वाटर जो बैक्टीरिया का था वो फ्लो आउट होकर NaCl में चला जाएगा, एंड दिस बैक्टीरिया विल श्रिंक. सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरिया और सॉल्टेड मीट और कैंडिड. अभी यही चीज समझ लो, मीट में कहीं पे बैक्टीरिया लग रहा है, अभी उसके ऊपर हमने सॉल्ट डाल दिया है, तो अभी क्या होगा भाई साहब, दिस वाटर फ्रॉम द बैक्टीरिया विल मूव आउट इन टू द सॉल्ट बाई ऑस्मोसिस, बिकॉज ऑफ विच द बैक्टीरिया विल लूज इट्स वाटर. इफ इट लूजेज इट्स वाटर, वाटर इज लाइफ, द बैक्टीरिया विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट्स लाइफ, मर जाएगा वो. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. मीट इज प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सॉल्ट विच प्रिवेंट्स बैक्टीरियल एक्शन. सिमिलरली फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन शुगर सॉल्यूशन टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एक्शन. थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ बैक्टीरिया और सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूजेस वाटर, श्रिवल्स एंड डाइज. ठीक है, सो बैक्टीरिया को अवॉइड करने के लिए हम ये सब तरीके तौर तरीके अपना रहे हैं. ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस. ओके, लेट्स से क्वेश्चन, विल मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट चेंज
विथ नेचर ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन इट. ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एक सॉल्वेंट का क्या वो चेंज होगा अगर आप उसमें सल्यूट अलग अलग तरीके के ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सो नो सिंस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नॉट द सल्यूट. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नॉट द सल्यूट, उस पर आपका डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, ओके. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ सेम मोलालिटी यू एक्सपेक्ट हायर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई? NaCl सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है, देखो इनमें फर्क क्या होगा. सेम मोलालिटी है मतलब सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना भाई साहब? इसका मतलब हो गया सेम मोलालिटी. ठीक है, ओके, सेम केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सेम केजी ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, यू एक्सपेक्ट हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका केस का. ठीक है, अभी भाई साहब देखो, BaCl2 प्रोड्यूसेस मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, दिस इज बिकॉज गिव्स थ्री पार्टिकल्स एंड NaCl गिव्स टू पार्टिकल्स, और आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई साहब किस पे डिपेंडेंट है? आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोर विल बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शोन. ठीक है, सो वी नो दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट एल्स, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट. ऑब्वियसली NaCl भाई साहब डिसोसिएट होगा. ठीक है, देखो डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है कुछ भी ना हो. जैसे यूरिया को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया भाई साहब, COH, अगर आपने भाई साहब यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसका कुछ भी नहीं होगा. शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, कुछ भी नहीं होगा, एक ही पार्टिकल रहेगा. लेकिन NaCl का भाई साहब ऑब्वियसली Na प्लस और Cl माइनस बनेगा हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से. ठीक है, BaCl2 दिस इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड, सो वॉट विल इट फॉर्म? Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, है ना भाई साहब? अभी ये Ba2 प्लस एक पार्टिकल और 2Cl माइनस मतलब Cl माइनस Cl माइनस, तो कितने पार्टिकल्स हो गए आपके? 3. तो ज्यादा पार्टिकल्स किसके डिसोसिएशन में मिल रहे हैं भाई साहब? BaCl2 के. सो आपका दिस इज बिकॉज आफ्टर डिसोसिएशन BaCl2 गिव्स 3 पार्टिकल्स एंड NaCl गिव्स 2 पार्टिकल्स. मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, मोर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शोन. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? ऑब्वियसली बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? अगर मोलालिटी सेम है तो भाई साहब इसके नंबर ऑफ मोल्स जितना वाटर में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, उसके भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है. ठीक है, तो मोलालिटी दोनों की बराबर है भाई साहब. अगर मोलालिटी बराबर है तो आपका क्या डिफर करेगा यहाँ पे? मोलालिटी बराबर है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर डिसोसिएटिंग इन ए सॉल्यूशन. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटिंग इन, लेट से हमने यहाँ पे KCl ले लिया होता और यहाँ पे NaCl है सेम मोलालिटी के, तो क्या होता था? Which will show more elevation in boiling point? None of them will show more elevation. दोनों का almost same elevation in boiling point होता था. ठीक है, ठीक है, clear है, clear है, clear है भाई साहब? Okay. क्योंकि आपका elevation in boiling point is what? Delta TB is equal to what? KB, that is albiscopic constant for the solvent and into M, molality. अगर molality दोनों की बराबर तो बराबर भाई साहब, KB is albiscopic constant. ये दोनों में same रहता था, solvent same है. ठीक है, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा आपका कॉलिगेटिव बिहेवियर दिखाएगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? फर्स्ट NaCl, RbCl, AlCl3, K4, FeCN6. ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया, रुबियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. तो भाई साहब जितने जिसके पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा K4 FeCN6 एज इट प्रोड्यूसेस 5 पार्टिकल्स. कैसे कैसे भाई साहब? देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, 4, पहली बात तो आपका प्रोड्यूस होगा K प्लस प्लस Fe. ठीक है, CN6, FeCN6. तो आपके भाई साहब कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे? ठीक है, वाइल अदर्स इन A प्रोड्यूस, यहाँ पे भाई साहब 2 पार्टिकल्स, यहाँ पे भाई साहब 2 पार्टिकल्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका? यहाँ पे 3 और 1, 4 पार्टिकल्स. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पार्टिकल कैसे आ रहे हैं भाई साहब? K4 FeCN6. देखो ये आप बेसिकली एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, आई लेट यू नो हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग. ठीक है, देखो K4 है और ये हो गया FeCN6.
CN6, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा बेसिकली इनटू K4K+ एंड प्लस FeCN6, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब माइनस आएगा। ये जो आ रहा है इसके चार पार्टिकल्स और ये एक पांच पार्टिकल, तो पांच पार्टिकल हो गया ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली, दैट इज द रीजन दिस विल बी शोइंग द मोस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. Find the molecular mass of the protein. So let's quickly look at this. आपका osmotic pressure यहाँ पे कितना है भाई साहब? 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. आपका volume यहाँ पे कितना है? 200 cc, 200 centimeter cubic. अरे भाई साहब, 200 centimeter cubic. हमको मालूम है centimeter cubic कितना होता है? 1 liter. बाला 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 बाला, जल्दी बोलो. कितना सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर होता है? देख रहे हैं भाई साहब इनको, 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो आपका 1 सीसी विल बी इक्वल टू 0.001 लीटर, तो आपका यहाँ पे कितना है? 200 सीसी, दैट विल बी इक्वल टू 200 इंटू 0.01 लीटर, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0. तो यहाँ पे हो गया आपका 0.001 होगा ना, ठीक है, 0.001, सो दैट विल बी 0.02 लीटर, ठीक है, 0.2 लीटर इसका हो गया, ठीक है, ओके, वॉल्यूम हो गया, ओके ओके ओके। टी इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? डब्ल्यू बाई पाई इज आर टी बाई वी, है ना भाई, ये हमने देखा ना, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलैरिटी पे डिपेंड करता है ना, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आर टी पाई आर टी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भाई साहब आपकी कितनी होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चा बाटी, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी होता है पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डब्ल्यू ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट आर टी, और ये हो गया पाई। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो हम इसको इस तरफ ले लेंगे, तो एम बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई पाई इंटू आर टी, सिंपल, ठीक है, डब्ल्यू बी बाई पाई, डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ द सल्यूट, वेट ऑफ द सल्यूट आपको दिया हुआ है कितना है भाई साहब? 1.26, ठीक है, अपॉन पाई की वैल्यू भाई साहब कितनी दी हुई है? 2.57 into 10 raised to -3 bar आर इंटू टी। अभी ये जो आर लेना पड़ेगा भाई साहब, आर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आर बहुत सारे तरीकों से निकालते हैं हम, आर देखो ये वाला लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, आर की एक वैल्यू आती है 0.821, ठीक है, लेकिन वो भाई साहब एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू होती है, आर की देखिए वैल्यू बहुत सारी होती है, आर की वैल्यू डिपेंड करती है उसके यूनिट पे, अगर आप 0.0821 लेंगे, 0.821 बेसिकली, दैट विल बी ऑन एटमॉस्फेयर, यहाँ पे बार से बार को काटना है, ठीक है, वेट ऑफ द प्रोटीन इतना हो गया भाई साहब, ठीक है, ओके, अप्लाई दिस डेटा इनटू दिस, तो आपका इतना आ जाएगा, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है, ओके। सो लेट्स से एन एक्वा सॉल्यूशन 1 लीटर कंटेन्ड 6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई साहब आपका? 60 यूरिया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इक्वल टू अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, हाउ मच वेट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो पहले हम भाई साहब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, एन एक्वा सॉल्यूशन 1 लीटर कंटेंट 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया है भाई साहब, 1 लीटर का सोल्यूशन है, ठीक है, तो आपका पाई कितना हो जाएगा भाई साहब? डब्ल्यू वन आर टी बाई फॉर यूरिया लिख सकते हैं हम, देखो पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू होगी एन आर टी, ठीक है, एन आर टी मतलब डब्ल्यू ऑफ यूरिया, डब्ल्यू ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इंटू आर इंटू टी, जो भी टेम्परेचर है, ये क्या हो गया? ये भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन आपका वॉल्यूम है ना, ठीक है, तो आपकी मोलैरिटी दी हो ना, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन है ना, पाई इज इक्वल टू देखो
पाई इज इक्वल टू परफेक्टली देखा जाए तो CRT होता है, पाई इज इक्वल टू CRT वे C इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलैलिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मैलिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोलैलिटी में भी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CRT हो गया, मतलब N बाई V RT हो गया, मतलब WB बाई M ऑफ B V RT। ठीक है, ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितनी आ जाएगी भाई साहब, सिंस पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, मतलब किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, T1 T2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है, एन एक्वा सोल्यूशन कंटेन दिस मच, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर फाउंड टू इक्वल टू ग्लूकोज, हाउ मच वेट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपका भाई साहब T1 और T2 बराबर होगा। समझ में आ रहा है, क्यों, देखो एक्वा सोल्यूशन कंटेन इन दिस, इस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सोल्यूशन, यहाँ पे आपका T1 और T2 झक मार के बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं और कंपैरेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपने टेम्परेचर को भाई साहब सेम ही रखा होगा, मतलब ये ग्लूकोज का ये जो T1 है ये भाई साहब आपके यूरिया के T1 के बराबर होगा, T1 विल बी इक्वल टू T2। अभी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन को हम पर लीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली V1 और V2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, V1 और V2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, W1 इज इक्वल टू 6, W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलो, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, तो W2 की वैल्यू इतनी आ गई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो देखो यहाँ पे यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है लेट्स से पाई वन है, वैसा ही आपका क्या है क्या कहते हैं अपना ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या दिया हुआ है भाई साहब, पाई टू लेट्स से। ठीक है, आपको दिया हुआ है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भाई साहब बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा बोलो, कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT मतलब WB बाई MB, ठीक है, इंटू RT अपॉन पर लीटर ना। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ये हो गया किसका भाई साहब, यूरिया का। तो लेट्स से हम यहाँ पे यूरिया, दिस इज यूरिया, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू पाई टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई W ग्लूकोज अपॉन M ऑफ ग्लूकोज वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज RT। अभी ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये तभी हो सकता है जब दोनों का टेम्परेचर भाई साहब, हम कंपैरिजन एक का ऐसे नहीं कर सकते, ये इतने टेम्परेचर पे है वो इतने टेम्परेचर पे है, और पहली बात तो आपके कंडीशन में ये दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बट ऑब्वियसली बात है ये T और T भाई साहब बराबर होंगे, और पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ही लेते हो तुम, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन मतलब ये V और V भी बराबर भाई साहब, और R तो आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ये तो बराबर होगा ही होगा, तो इसका मतलब W ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ 8 ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, W ऑफ यूरिया कितना हो गया भाई साहब आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, W ऑफ ग्लूकोज दैट विल बी हाउ मच, W ऑफ यूरिया इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है, दैट विल बी 6 × 180 / 60 दैट इज 18 grams। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, थैंक यू हो गया, ये तो थैंक पीपल। नाउ वी विल सी देर इज वन थिंग विच इम्पैक्ट्स ऑल दीज कैलकुलेशंस एंड दैट इज कॉल्ड अ वैंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब ये वैंट ऑफ फैक्टर कैसे इन सारे कैलकुलेशंस को इम्पैक्ट करता है, दैट इज समथिंग दैट वी विल सी एंड वॉट इज द रीजन फॉर दिस इम्पैक्ट। ठीक है, सो वॉट इज वैंट ऑफ थियोरी ऑन डायल्यूट सोल्यूशंस। ठीक है, वैंट ऑफ थियोरी ऑन डायल्यूट सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑब्टेन्ड, वैंट ऑफ प्रपोज द थियोरी ऑफ डायल्यूट सोल्यूशंस। सो वैंट ऑफ प्रपोज दैट अ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन डायल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट को, एक नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट को आपने किसमें डिजॉल्व किया, डायल्यूट सोल्यूशन में, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ गैस। ठीक है, इफ अ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ डायल्यूट सोल्यूशन इट बिहेव्स एज अ गैस। नाउ विल सी हाउ। ठीक है, ओके, वैंट्स ऑफ प्रपोज दैट ऑल गैस लॉस
आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर आपका सोल्यूशन ऐसा है जो डाइल्यूट है और आपका सोल्यूशन ऐसा है जो नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट को आप वॉलाटाइल सॉल्वेंट में करके बना रहे हैं, तो दैट विल बी बेसिकली वॉन्ट आर प्रपोज दैट ऑल गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा भाई साहब? डाइल्यूट सोल्यूशन एंड ऑल गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सोल्यूशन। सो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। वेंट ऑफ के लॉज, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर of a dilute solution is directly proportional to the molarity of the solution, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका this is directly proportional to the concentration. Concentration क्या है? Molarity. Molarity मतलब क्या हो जाएगा? Moles of the solute, that is weight of the solute upon molecular mass of the solute upon volume of the solution in liters. इसी को हम भाई साहब मोलारिटी बोलेंगे। अगर मिलीलीटर्स में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure pi of a dilute solution is directly proportional to the molarity. ये osmotic pressure भाई साहब किसके proportional होगा? Molarity of the solution, ठीक है। So let's see, C आपका हो गया जैसे concentration moles per liter है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे volume of the solution is inversely proportional to concentration, आपका जो volume of solution होगा that will be inversely proportional to concentration, ठीक है भाई। देखो कैसे कैसे, ठीक है, volume को अगर आप बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर भाई साहब आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना कॉन्सेंट्रेशन आपका भाई साहब कम होता जाएगा, ठीक है, ओके। और कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो कॉन्सेंट्रेशन है क्या, कॉन्सेंट्रेशन है क्या, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट दैट इज डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर लो, तो वही अगर मिलीलीटर लिया तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू बी इंटू 1000 1000 बाई एम बी इन टू वी। तो भाई साहब अगर आप C, अगर आप V को बढ़ा रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है C कम होगा, ठीक है। अगर आप V को कम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और वी कैन से दैट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B बाय दिस सिंपल रिलेशनशिप, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन is inversely proportional to its concentration, ठीक है। वॉल्यूम आपका भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, pi is inversely proportional to 1 by V, ठीक है। आपका जो osmotic pressure है, क्यों 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 भाई साहब, क्योंकि osmotic pressure आपके concentration से directly proportional है और concentration आपके volume से inversely proportional है। इन दोनों को combine कर दो तो osmotic pressure will be inversely proportional to the volume, ठीक है भाई। अगर ऐसा भी याद नहीं रहता है तो आप बॉयल्स लॉ को याद कर लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सिंपल, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू गैसेस। और अभी आपने क्या पढ़ा कि वेंट ऑफ ये बोल रहा है कि अगर कोई डाइल्यूट सोल्यूशन है और उसमें आपने बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट को मिलाकर रखा है, इट विल ऑलमोस्ट बिहेव लाइक अ गैस, विच मीन्स वॉट, प्रेशर इज inversely proportional to volume। ये आपका Boyle's law बोलता है भाई साहब। Boyle's law का क्या है, P1 V1 is equal to P2 V2, ये आया कहां से, pressure is inversely proportional to volume, यही से तो आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोल वेंट ऑफ बोल रहा है कि भाई साहब अगर कोई नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत डाइल्यूट है तो वो गैस की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसका प्रेशर, अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भाई साहब गैस प्रेशर तो हो नहीं सकता, तो कौन सा प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्वियसली दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, सेम गैस लॉ ही है। देखो गैस लॉ हेयर इज अप्लाइड इन अ डिफरेंट फॉर्मैट, हेयर दैट वॉज प्रेशर ऑफ गैस, दिस वॉज वॉल्यूम ऑफ गैस, हेयर इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है, ऑलमोस्ट सेम। तो आपका भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसी को इक्वेट करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया हुआ है के, ठीक है, दिस कांस्टेंट, ठीक है, दिस कांस्टेंट इज के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सिंपल एक आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ऑस्मोटिक प्रेशर का, दिस इज सिमिलर टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ भी तो यही है भाई साहब, पी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 विच इज एप्लीकेबल ओनली टू गैसेस। सो वेंट ऑफ इज सेइंग दैट अ प्योर गैस behaves in the same way as a non-volatile solute in a volatile solvent, ठीक है, in dilute proportions, ठीक है। So the osmotic pressure of a solution, ठीक है, osmotic pressure of a solution of constant C is directly proportional to the temperature on Kelvin scale, ठीक है, क्यों,
क्यों जाएगा भाई साहब ऐसा? भाई साहब देखो गैस लॉ को पढ़ के चलो, ठीक है, पी वी कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या हो गया भाई साहब, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अभी अभी आप आओ भाई साहब, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, यहां पे भाई साहब प्रेशर की प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, सो लेट्स लुक एट दिस, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी ऑन केल्विन स्केल, आर वी क्लियर, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट सी, अगर हमने क्या रखा भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन, आपने ये पढ़ा है ना कि भाई अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना भाई साहब, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां पे भी हम वही बोल रहे हैं, देखो एट कांस्टेंट सी, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन को अगर सेम रखा, देखो देखो यहां पे ऐसे देख लो, गैस लॉ पे आओ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है भाई साहब, ठीक है, तो आप पी को क्या लिख सकते हो, एन बाई वी आर टी लिख सकते हो, देखो ये R तो भाई साहब आपका कांस्टेंट रहने वाला है, ये N by V क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ही तो हो गया, है कि नहीं, ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन, तो इस P को रिप्लेस कर दो पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर से, N by V नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो दैट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन C, R आपका एक कॉन्स्टेंट हो गया T, यहां पे क्या बोला जा रहा है, अगर कॉन्स्टेंट रखा आपने क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट C, मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन C is directly proportional to its temperature. भाई साहब ये osmotic pressure क्या हो जाएगा? Temperature से directly proportional हो जाएगा, provided you are keeping the concentration as constant. Are we clear to this one people? Okay. तो इसी के को हम क्या बोलेंगे? Proportionality constant. This is very similar to Charles law भाई साहब. ये आपके Charles law के बराबर ही है, ठीक है? Charles law क्या बोलता है? PV is sorry आपका P1 P by T is equal to constant. P by T is equal to constant. या P is equal to K into T. P by T. मतलब चार्ल्स लॉ यही बोलता है ना, P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to P3 by T3 and so on and so forth. ठीक है? Clear? On combining this and this, तो हम अभी combine कर रहे हैं, जैसे हमने combined gas law क्या किया था? P is directly proportional to V and P is नहीं, P is inversely proportional to V and P is directly proportional to T. तो इसी से हमने क्या लगाया भाई साहब, P is directly proportional to T by V. तो आपका आ गया भाई साहब, PV is directly proportional to T, which means PV is equal to nRT. ये nR आपका constant हो गया, ठीक है? यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, देखो, osmotic pressure is inversely proportional to volume. Osmotic pressure is directly proportional to temperature. इन दोनों को अगर हम भाई साहब कंबाइन करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय वॉल्यूम, इसको हमने क्या डाल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एस इनटू टी बाय वी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एस इनटू टी, नाउ व्हाट इज दिस एस, ठीक है, ये एस भाई साहब आपका कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, इट इज नोन एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, जिसको हम सोल्यूशन कॉन्स्टेंट भी बोलेंगे, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और सोल्यूशन कॉन्स्टेंट, एस वैल्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आर, ठीक है, S की जो वैल्यू है, S की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, R की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों यूनिट्स को भाई साहब आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ये सारे आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग नोट करने को मिलता है। अभी देखो आपने एक सवाल किया जहां पे आपका बार पे आ रहा था, तो आपको उसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, सबसे ज्यादा भाई साहब आपका यही यूज होता है, जहां पे आपको प्रेशर किसमें दिया हो भाई साहब, अगर प्रेशर आपको दिया हो किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है, अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है किसमें, एटमॉस्फियर में, तो आप ये वाला आर यूज करेंगे, ठीक है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल्स पर केल्विन, अगर आपका दिया हुआ है भाई साहब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दिस इज द आर दैट यू आर गोइंग टू यूज,
इफ इट इज बेसिकली अगर आपका भाई साहब न्यूटन में नहीं दिया हुआ है, लेट्स से सीजीएस यूनिट्स यूज हुए हैं, तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। कैलोरी वगैरह में दी हुई है तो ये यूज करेंगे। बहुत कम इन दोनों का यूज होता है, ठीक है। दीज आर द टू प्राइमरी वंस विच आर यूज, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, सी एस और टी। एस इज द सेम थिंग एज आर, टी इज द टेम्परेचर एंड सी इज बेसिकली वॉट, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर सी मोलैरिटी है, कैपिटल है मतलब मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, सी अगर आपका भाई साहब है मोलैरिटी, तो आपका एम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम एस टी लिख सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू एन बाई वी इंटू एस टी, ठीक है, या एन पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन एस टी, ठीक है। तो m इज मोलैरिटी एंड n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सिंपल है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो v आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इफ s इज इक्वल टू r, अगर s भाई साहब r के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर टू v। तो n की वैल्यू क्या है भाई साहब, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, एंड दिस इज वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट मतलब हम जब नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है भाई साहब, आप कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। एस इज इक्वल टू आर, तो आपका ये एन की वैल्यू हो जाएगी। देन इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। आपका भाई साहब ये हो जाएगा वी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आप इससे अपना मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो आपके घरों में रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट होता है, प्लांट मतलब मशीन जो होती है, आरओ जिसको हम बोलते हैं, फिल्टर यूनिट्स के रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सो विल सी व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस और इससे वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। हमने भाई साहब क्या देखा कि ये आपका क्या है, लेट्स से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसिकली व्हाट, एन एसपीएम, ठीक है। यहां पे आपका है ए प्लस बी, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहां पे क्या है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर जाएगा, हमने अगर इधर प्रेशर बढ़ा दिया एंड दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम इसको स्टॉप करा सकते हैं, वी कैन स्टॉप दिस प्रोसेस। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कर दिया हमने प्रेशर, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर पास होना चालू हो जाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। कायदे से ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी आपने क्या किया भाई साहब, यहां पे प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, दिस विल स्टार्ट रादर, पहले तो स्टॉप होगा, पहले तो स्टॉप होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी अगर आप प्रेशर को ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल नाउ गोइंग स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स दिस। यही होता है हमारे भाई साहब रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। आपका जो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट जो आपके घरों में होता है, उसमें होता क्या है, यह आपका प्योर वाटर है, यह आपका इम्प्योर वाटर है। प्योर वाटर एक साइड में होता है, इम्प्योर वाटर एक साइड में होता है। यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर मेंटेन किया जाता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा भाई साहब, ये वाले सब के सब जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्योर वाले होंगे, ये आपका इम्प्योर वाटर है, दिस इज इम्प्योर वाटर, दिस इज प्योर वाटर, तो ये सारा इम्प्योर वाटर ये प्योर वाटर में जाता रहेगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली यूज इट, दैट इज द लॉजिक ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो नाउ देर विल बी अ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब तक आप सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर वाला प्रेशर मेंटेन कर रहे थे, तब तक आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इधर से इधर आने में अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने एक ऐसा प्रेशर मेंटेन किया जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो, तो भी क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ओके, तो इसी प्रोसेस को हम आरओ प्रोसेस बोलते हैं। तो जैसे समझ लो ये फ्रेश वाटर है और ये सॉल्ट वाटर है, जहां से भी आ रहा हो, ठीक है।
ओके अभी आपका भाई साहब ये फ्रेश वाटर है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आपने क्या किया भाई साहब हाई प्रेशर बाय द पिस्टन दैट इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो अभी सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर, सॉल्ट वाटर से भाई साहब प्योर वाटर इधर फ्रेश वाटर में जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, सो व्हाट विल हैपन टू दिस, वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन विल नाउ स्टार्ट मूविंग इनटू द फ्रेश सॉल्वेंट, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इनके पास तो भाई साहब पानी नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल से ज़्यादा दाम में तो पानी बिकता है, ठीक है, तो ये कहाँ से पानी लाएंगे, इतने लोग जो वहाँ पे रहते हैं वेयर वुड दे गिव गेट द वाटर फ्रॉम, तो ये डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है, उनके सी वाटर को बहुत बड़े रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स में डाल के उसका एडिबल वाटर बनाया जाता है या पोर्टेबल वाटर बनाया जाता है, आर वी क्लियर, तो वहाँ पे सारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। हमारे यहाँ पे भाई साहब आज शायद पानी नहीं आया, नहीं भाई साहब जीवन उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, तो ये अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे भरपूर पानी है, इसीलिए हम इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी रनिंग इन अ ह्यूज स्कैसिटी ऑफ वाटर, धीरे 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 ऐसे हम जिस तरह से पानी का यूज़ कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम मानते नहीं हैं, करते नहीं हैं, ठीक है। हालांकि आज की तारीख में जितने भी आपके रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका अप्रूव नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर सब जो भी हो रहा है, ठीक है। तो सी द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर 4 or 5 months अ सिटी लाइक बॉम्बे गेट्स, बट वी आर हार्डली एबल टू रिटेन दैट वाटर, ठीक है। ये आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, अभी से हमको उसके आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ता ही रहेगा, देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एवरी डे टू अर्न एंड मेक अ लाइवलीहुड आउट हियर, सो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ता ही रहेगा, पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ता ही रहेगा। हमारे पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो चेंबूर में है, देर वॉज अ मैकेनिज्म दैट वॉज डिजाइंड इन ऑर्डर टू डील विद दिस क्राइसिस, बिकॉज वी आर फोर्सिंग दिस क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर, ये क्राइसिस होने ही वाला है, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल नहीं तो 20 साल बाद, होना ही होना है, वाटर का क्राइसिस बहुत सीवियर होने वाला है। देन हाउ विल वी डील विद दिस, तो ये डीसैलिनेशन का प्रोसेस हमने एक एटॉमिक प्लांट बनाया हुआ है जिससे हम सी वाटर को डीसैलिनेट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि उसमें खर्चा बहुत है, और आपका जो पानी जो बिस्लरी आज की तारीख में आपको 10 रुपये में मिलता है वो 50-60 रुपये में मिलने वाला है मिनिमम, ठीक है, इट विल गो अप एटलीस्ट 5 to 6 times मोर, सो दैट इज़ बेसिकली अ कॉस्टली प्रोसेस, बट यू विल गेट वाटर समहाउ, ठीक है। आप अगर सऊदी कंट्रीज़ में जाएंगे तो वाटर बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे, ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़, पेट्रोल वहाँ पे कम है। द फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट यूटिलिटी, आज की तारीख में आप अपने घर के वाटर को, सलाइन वाटर को अगर प्योर बना रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज़ वन प्रोसेस, लेकिन आप सुनो एक पूरे शहर का अगर हमको करना हो तो दैट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेटअप एज़ वेल। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो हमारा जो सी वाटर है उसके डीसैलिनेशन से हम रिवर्स ऑस्मोसिस से प्योर वाटर बना सकते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई, ऑब्वियसली आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से भी रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रेशर ज्यादा है। अ वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज अ फिल्म ऑफ सेल्युलोज एसिटेट प्लेस्ड ओवर सूटेबल सपोर्ट, ये आपका SPM बन गया भाई साहब, ठीक है, सो दैट इज हाउ सेल्युलोज एसिटेट इज परमिएबल टू वाटर, सो इट इज बेसिकली impermeable to impurities and ions present in sea water, ये जाने नहीं देगा उसको, ठीक है। Modern world has uses desalination plants to meet the requirement of potable water, हालांकि हमारे अर्थ में 70% वाटर है but that is not potable, only 1%, less than even 1% is potable which we can use for drinking and washing as well as for daily use, हमारा जो भी खाना पीना बनाने का है, ठीक है। Modern world uses desalination plants to meet potable water that is drinking water requirements and Gulf countries very widely use this desalination ka process that is reverse osmosis of sea water, they are using it very widely, theek hai, unke paas aur koi option nahi hai aur der saver hamare sath bhi wahi hone wala hai, we would not have options if the way we are treating water we are treating it the same way, jis tarah se hum rain water harvesting nahi kar rahe hain ya jis tarah se hum water ko jaane de rahe hain without making appropriate use of it, we are going to very soon or later face the same issues.
एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, एबनॉर्मल ही है, कल ही करते हैं इसको, है ना।